पुणे की जनता से मेरी एक विशेष अपील है। साथियों, इस देश में चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, लेकिन देश बदलने का मौका रोज रोज नहीं आता। ये जो 2014 का लोकसभा चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये सिर्फ सरकार और सत्ता पलटने का मौका नहीं है, ये व्यवस्था बदलने का मौका है, इस देश का भविष्य बदलने का मौका है, इस देश में राजनीति कैसे होगी उसे बदलने का मौका है। ये मौका आपके मेरे हाथ में है। पुणे से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुभाष वाले। कई बार मैं सोचता हूँ कि देश को नेता हो तो इस तरह के नेता जैसे महाराष्ट्र ने आजादी के आंदोलन में दिए, आजादी आंदोलन के बाद जितने बड़े नेता दिए, उन्हीं के पद चिन्हों में सुभाष वाले को देखता हूँ। चाहे राष्ट्र सेवा दल का काम हो, दूसरे जन आंदोलनों का काम हो, या आम आदमी पार्टी को बनाने का काम हो, सबसे बड़ा नेता वो होता है जो खुद थोड़ा सा पीछे रहता है। जब लोकसभा में सुभाष वाले बोलेंगे, महाराष्ट्र की समस्या पे बोलेंगे, पुणे की समस्या पे बोलेंगे, इस देश के बारे में अपना एक विजन रखेंगे, तो इससे संसद की गरिमा बढ़ेगी, संसद सुंदर बनेगी। जब लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे, मुझ जैसे बहुत लोग ध्यान रखेंगे, निगाह रखेंगे, अरे पुणे में क्या हुआ, पुणे से क्या मैसेज आता है, क्या भ्रष्टाचारियों के हारने का संदेशा जाता है, सारा देश पूछेगा। जब वहां से खबर आएगी कि वहां एक ईमानदार नेता जीता है, ऐसा जिसके पूरे दामन पे, जिसके पूरे कैरियर में, जिसके पूरे काम पे कोई एक भी दाग नहीं है, जब पुणे ऐसे व्यक्ति को जिता के भेजेगा, पूरे देश में संदेश जाएगा, राजनीति बदलने का संदेश जाएगा, देश बदलने का संदेश जाएगा, और ये संदेश का फैसला आपको करना।